Hello radiographers, I am also a radiographer, myself Amir Sayyed, and today we are going to learn detailed filming process of CT neck plane scan. So, aaj hum dekhenge ki CT neck plane scan ka film kaise banta hai, kitne images hame create karne hote hain aur kya film format require hota hai, usme kis tarah se adjust karna hai, kis tarah se zoom karna hai aur brightness kaise adjust karna hai, ye sara kuch detailed mein aaj hum is video mein dekhne wale hain. तो वीडियो को पूरा देखना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो रेडियोग्राफर, सबसे पहले आप पेशेंट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद में सॉफ्ट थिन प्लेन सिलेक्ट करना है और इसे रे फॉर्मेट में अपलोड कर देना है. रे फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में आपको 5 mm का एवरेज थिकनेस देना होगा मैनुअली. इसके बाद में स्लाइस कटिंग करने से पहले आपको सिमेट्रिकल करना होगा. पेशेंट थोड़ा सा टिल्ट लग रहा है लेफ्ट साइड की तरफ में, तो आपको मल्टी ऑब्लिक सिलेक्ट करना है और इसे नेजल सेप्टम से पास करना है, पैरेलल रखना है इस वर्टिकल लाइन को, नेजल सेप्टम से पैरेलल रखना है इस तरह से. और फिर आपको कॉर्नल वाले इमेज में इसे स्पाइन से आप पैरेलल रखिए, जिस डायरेक्शन में स्पाइन पास हो रहा है इसी तरह से पैरेलल में भी रखिए, आप इस तरह देख सकते हैं. और सैज में वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है. इसके बाद में अभी से आप एक्सियल वाले इमेजेस को स्क्रॉल करके देख सकते हैं. आप ये ऑर्बिटल कैविटी देख सकते हैं, ये एक साथ में जॉइंट होनी चाहिए, नहीं हो रहा तो यहां से आपको कॉर्नल में एडजस्ट करना होगा इस तरह से. अभी जॉइंट हो रहा है, इक्वली जॉइंट दिख रहा है, तो अब ये सिमेट्रिकल है. अब हम स्क्रोल करके देख लेंगे, ये सिमेट्रिकल है बट लेफ्ट साइड की तरफ में हल्का सा टिल्ड है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी ऑब्लिक को अनसेलेक्ट करना है, एक्सियल वाले इमेज पे क्लिक करना है और डिस्प्ले में आना है. रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा. ओके, अब ये सिमेट्रिकल दिख रहा है. आप यहां देख सकते हैं पेशेंट को पैथोलॉजी है, यहाँ पे पेशेंट को थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट दिख रहा है, थायरॉइड ग्लैंड इनलार्ज दिख रहा है जिसमें कैल्सिफिकेशन भी है. तो अब हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे. ऊपर की तरफ में आना है, फ्रंटल साइनस जहां स्टार्ट हो रहा है, आप ये देख सकते हैं ये फ्रंटल साइनस दिख रहा है यहां से. तो हम यहां से स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे. एक्चुअल वाले इस इमेज पे क्लिक करना है, फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है, लूप पे आना है, इस एक्चुअल वाले इमेज पे क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ में स्क्रोल करना है, स्क्रोल डाउन टिल आर्च ऑफ एओर्टा. लाइक यू कैन सी, अब यहाँ पे ये आर्च ऑफ एओर्टा दिख रहा है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और सेट एंड करेंगे और इसके हमें 35 इमेजेस क्रिएट करने हैं. 35 इमेजेस बन गए, प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, बन गए. क्लोज करना है और ओके करके सेव कर लीजिए. अब हम कॉर्नल के इमेजेस क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हमें देखना है ये सिमेट्रिकल है या नहीं. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऑर्बिटल कैविटी है, आर्च है, ये इक्वली जॉइंट हो रहा है, तो ये है सिमेट्रिकल. और थोड़ा सा ये परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज पेशेंट थोड़ा सा क्रॉस सोए हुए थे, परफेक्टली वो सुपाइन पोजीशन में नहीं थे, थोड़ा सा वो क्रॉस लेटे हुए थे. अब यहां देख सकते हैं क्लेविकल बोन इक्वली जॉइंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत चलेगा बट ये राइट साइड की तरफ में टिल्ट दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे. डिस्प्ले में आना है, रोटेट पे आना है और क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर लिया, टू डिग्री से हमने रोटेट कर लिया. इसके बाद में हम एंटीरियर साइड में स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ में, ये पीएनएस का एरिया जहां स्टार्ट हो रहा है, हम यहां से स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे. इस इमेज पे क्लिक करना है, फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है, लूप पे आके कॉर्नल वाले इमेज पे क्लिक करना है, सेट स्टार्ट करना है और स्क्रोल डाउन करना है, मीन्स पोस्टीरियर रीजन में हमें स्क्रोल करना है. और यहां पे आप देख सकते हैं ये वेसल अभी दिख रही है, तो ये वेसल कवर होने तक का हमें और पीछे एरिया कवर करना है. वेसल ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, अब यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, ये स्पाइनस प्रोसेस, इस चीज को हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और यहाँ सेट एंड करेंगे और हमें 30 इमेजेस क्रिएट करने हैं, 30 बन गए, प्रीव्यू करके देख सकते हैं. क्लोज करना है और ओके करके सेव कर लीजिए. अब हम सैज के इमेजेस बनाएंगे, तो हमें राइट साइड की तरफ में स्क्रॉल करना है. आप ये पॉइंटर देख सकते हैं मेरा जो कि राइट साइड की तरफ में जा रहा है, राइट साइड की तरफ में हमें आना है और
यहाँ पे वेसल दिख रहे हैं, ये देखो ये वेसल है, ये वेसल है, तो हमें इसे पूरी तरह से कवर करना है। राइट साइड की तरफ हम जाएंगे एकदम लेटरल साइड में। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करना है, सेट स्टार्ट करना है, और फिर लेफ्ट साइड की तरफ में स्क्रॉल करना है, अपोजिट साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पूरा एरिया कवर होने के बाद में आपको सेट एंड करना है, और इसके भी आपको 30 इमेजेस क्रिएट करने हैं। 30 इमेजेस बन गए, प्रीव्यू करके हम एक बार देख लेंगे, ये परफेक्टली बन चुका है। क्लोज करना है और ओके करके सेव कर लीजिए। इसके बाद में हम इसे एग्जिट कर देंगे, इसका काम हो चुका। तो अब हम टोपोग्राम को डबल क्लिक करेंगे टोपोग्राम पे, और यू कैन से स्काउट इमेजेस, इसके इस पे क्लिक करने के बाद में हम लैटरल वाले इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कमेंट में हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्स आर स्पेस, हम 2 भी टाइप कर सकते हैं, इसमें शो होगा रेफरेंस लाइन कि कहां से कहां तक एरिया कवर हुआ था स्कैन के समय, या फिर हम ये भी डाल सकते हैं एक्स आर स्पेस 300 कि एक्चुअल इमेजेस कितना कवर हुआ है स्कैन में, एक्स आर स्पेस 300। तो यहां देख सकते हैं आप, ये रेफरेंस लाइन शो हो रहा है ब्यूटीफुली, यहां से फ्रंटल साइनस से आर्च ऑफ एओर्टा तक का एरिया कवर हुआ है स्कैन में, और इसे हम कैप्चर कर लेंगे। फिल्म सेव पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चर वाले आइकन पे, कैमरे के आइकन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इसे अब हम कैंसिल कर लेंगे। टोपोग्राम को जो हमने स्क्रीन सेव किया था, इसे हम मैनुअल फिल्म में डाल देंगे। मिनिमाइज करके हमें नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है, और 35 इमेजेस जो हमने एक्चुअल का बनाया था इसे मैनुअल फिल्म में डाल देंगे। फिर 30 इमेजेस हमने जो कॉर्नल का बनाया था इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देंगे, और फिर 30 इमेजेस जो हमने सैश का बनाया था इसे भी मैनुअल फिल्म में डाल देंगे। और फुल स्क्रीन करना है, फर्स्ट फिल्म पे आना है, फर्स्ट फिल्म का फॉर्मेट होगा 6x6, 6x6 का हमें फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। सेकेंड फिल्म का फॉर्मेट होगा 6x5, और थर्ड फिल्म का सैज वाले का भी 6x5 का फॉर्मेट होगा। फर्स्ट फिल्म पे आ जाएंगे और हम टोपोग्राम को जूम कर लेंगे, टोपोग्राम को जूम करना है और ब्राइटनेस एडजस्ट कर लीजिए, डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट कर लेंगे, और टोपोग्राम को कंट्रोल सिलेक्ट करके हम अनसिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल बटन प्रेस करके, और अब हम एक परफेक्ट इमेज सिलेक्ट करेंगे जिसमें प्रॉपरली नेक शो हो रहा हो इसमें, और हम इसे जूम करके अप्लाई करेंगे पूरे पेज पे, हमें इतना जूम रखना है। ओके, अब यहां पे आपको शो हो रहा होगा ये कट हो रहा है, पोस्टीरियर रीजन में कट हो रहा है, तो ये नेक नहीं है, ये फेस का एरिया, तो हम इसे नीचे की तरफ में शिफ्ट करेंगे, हमें पीएनएस शो करना है, पोस्टीरियर रीजन स्कल का शो नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरह से हो गया एडजस्ट, और यहां पे कट हो रहा तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह से। हमें पैथोलॉजी यहां शो हो रही है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है, इसमें कुछ पैथोलॉजी है, थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, ये हो गया। और अब हम इस पे एनोटेशन डाल देंगे, फर्स्ट इमेज पे एनोटेशन डालेंगे एक्सियल पेन, एक्सियल पेन, और हमने मार्कर अप्लाई किया था पेशेंट को स्कैन के समय, तो हम मार्कर की जगह पे मार्कर का एनोटेशन डाल देंगे, लाइक इस इमेज पे आप देख सकते हैं यहां मार्कर शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे मार्कर टाइप कर देंगे। एनोटेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और लिखना है मार्कर, और इसे क्लोज कर लेंगे, मार्कर हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, इसे भी डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट करना है और जूम करना है, परफेक्टली बीच में एडजस्ट करना है, थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट कर लीजिए कि ये जो थायराइड है, जो पैथोलॉजी है, ये प्रॉपरली शो हो, और यहाँ पे हमें मार्कर शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे एनोटेशन डाल देंगे मार्कर, मार्कर, और फर्स्ट इमेज पे हम एनोटेशन डाल देंगे कॉर्नल प्लेन, कॉर्नल प्लेन। नेक्स्ट फिल्म पे आएंगे, इसे भी डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट करना है, जूम करना है, आप ये देख सकते हैं पोस्टीरियर रीजन अगर कट होता है तो चलेगा, आपको नेजल एरिया, फेशियल एरिया, पीएनएस का एरिया और नेक आपको शो करना है इस तरह से, थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट करना है, और फर्स्ट इमेज पे एनोटेशन डाल देना है सैज राइट टू लेफ्ट प्लेन, सैज राइट साइड से स्टार्ट किया था हमने स्लाइस कटिंग और लेफ्ट साइड में एंड किया था, तो हमने ये डाल दिया सैज राइट टू लेफ्ट प्लेन।
और मार्कर हमें शो करना है यहाँ इस इमेज पे, आपको मार्कर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें मार्कर एनोटेशन डाल देना है, लिखना है मार्कर है ये मार्कर, ये हो गया। तो इस तरह से हमारा तीन फिल्म बनेगा। सो रेडियोग्राफर्स, ये था नेक प्लेन का फिल्मिंग प्रोसेस। मैं आपको एक बार फिर से फिल्म फॉर्मेट बता देता हूं। आपको एक टोपोग्राम लेना है और 35 इमेजेस एक्सियल प्लेन के बनाने हैं, जिसका फॉर्मेट होगा 6x6, और उसके बाद में 30 इमेजेस कॉर्नल प्लेन के बनाने हैं, जिसका फॉर्मेट होगा 6x5, और 30 इमेज सैज के बनाने हैं, जिसका फॉर्मेट होगा 6x5। इस तरह से आपके तीन फिल्म बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको फिल्म प्रोसेस समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।